हमारी क्रंची सी पोटैटो चिप्स रेडी हो गई है। देखिए आपको आवाज़ से ही पता चल रहा होगा ये बिल्कुल क्रंची बनी है। अब मैं इसको ट्राई करती हूँ। बहुत मज़े के बने। अस्सलाम वालेकुम, आज मैं आप लोगों के साथ पोटैटो चिप्स की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बहुत क्रंची और क्रिस्पी बनते हैं, घर में आप इजीली बना सकते हैं। बाजार से जो मिलते हैं उसमें तो हवा ही भरी होती है, आधा पैकेट और चिप्स भी थोड़े से निकलते हैं। तो आप घर में बनाइए, बच्चों को घर में बना के दें तो बच्चों को जरूर पसंद आएंगे, बहुत क्रंची बनते हैं। एक इजी सा मेथड मैं आपको बताने जा रही हूँ और ये मिनटों में बन जाते हैं। 10 मिनट बस चाहिए आपको इस चिप्स को बनाने के लिए। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी इजी वीडियोस देख सकें। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो क्रंची पोटैटो चिप्स बनाने के लिए मैंने ये आलू लिए हैं, मीडियम साइज़ के 4 आलू लिए हैं। इनको हम कट कर लेते हैं। मैंने ये वाला स्लाइसर लिया है, तो अगर आपके पास नहीं है तो ये बाज़ार से भी आसानी से स्लाइसर मिल जाता है, तो इसकी मदद से हम इसके चिप्स काट लेंगे। आलुओं के मैंने चिप्स काट ली है, ये देखिए अच्छे तरीके से अब ये बारीक बारीक से कट चुके हैं। तो हमने इसको पेपर टॉवल से ड्राई कर लेना है, क्योंकि अगर हम गीले, ये देखिए ये थोड़े थोड़े गीले हैं, तो अगर हम गीलों के बनाएंगे तो वो मज़े की नहीं बनेगी और क्रिस्पी भी नहीं बनेगी। तो हमने पेपर टॉवल से इनको खुश कर लेना है। और इसको मैंने वॉश कर लिया था कटिंग करने से पहले अच्छे तरीके से। अब हम इसको वॉश नहीं करेंगे, बस इसको ड्राई करेंगे। ये देखिए मैंने इनको कितने अच्छे तरीके से ड्राई कर लिया। अब इनमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है, अगर मॉइस्चर होगा तो फिर ये अच्छे से फ्राई नहीं होंगे। तो इनको आपने अच्छे से सुखा लेना है। अगर आपके पास पेपर टॉवल नहीं है तो आप पंखे में भी सुखा सकते हैं, थोड़ी देर हवा में रख देंगे तो ये अच्छी तरह ड्राई हो जाएंगे। मैंने इनको थोड़ी देर पंखे के नीचे भी रखा है और पेपर टॉवल से भी ड्राई किया है, तो ये अच्छे से ड्राई हो गए हैं। अब हम इनको फ्राई करेंगे और फिर बाद में हम इसमें नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए ये क्रंची क्रंची से बन गए हैं, अब हम इनको निकाल लेते हैं। हमारी क्रंची सी पोटैटो चिप्स रेडी हो गई है। देखिए आपको आवाज से ही पता चल रहा होगा ये बिल्कुल क्रंची बनी है। मैं इसको ट्राई करती हूँ। बहुत मज़े के बने हैं, बहुत क्रंची बने हैं, क्रिस्पी हैं, जिस तरह के बाज़ार से मिलते हैं सेम वैसे ही बने हैं। आप 20 रुपए के आलू लेके घर में ज़्यादा सारी चिप्स बना सकते हैं, बजाय इसके 20 रुपए के आप थोड़े से लेकर आएँ वो भी हवा वाले पैकेट के। तो इसको ट्राई कीजिएगा, बच्चों को खिलाइएगा, अफ्तार में बनाइएगा। अब हम इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे। आप इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो बेशक आप इसमें चाट मसाला भी ऐड कर दें या सिर्फ सॉल्ट ही डाल दें, तो इससे भी बहुत मज़े के लगेंगे। तो उम्मीद है ये रेसिपी भी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक नई और इजी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।